स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन क्लास 12th की. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट ई एक्स अपॉन साइन एक्स. इसको एज्यूम कर लेते हैं वाई. ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है. देखो, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर. तो क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. यहाँ पर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो इसको अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो ये आ गया साइन एक्स. ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स होता है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. आप ई एक्स कॉमन ले सकते हो यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो अंदर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, साथ साथ फंक्शन ऑफ फंक्शन है. मतलब क्या हुआ कि e की पावर अगर x होता तो हम इसको एक्सपोनेंशियल बोलते, लेकिन x की जगह यहाँ पर एक फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह हम ट्रीट करेंगे. तो वो कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो आ जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? एंड वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो सर कंप्लीट आंसर आ गया ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक, थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब एज इट इज, बिकॉज ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, वो एक्स नहीं था इसलिए उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. एंड वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पर थ्री, यू नो वेरी वेल इट इज थ्री एक्स स्क्वायर. तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर ई एक्स रेस्ट पावर थ्री. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स ई माइनस एक्स. सबसे पहले देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले साइन लिख लो रफ में, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. ई रेस्ट पर एक्स का क्या होता है, ई एक्स. ठीक है, एंड माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस वन. उस तरीके से करेंगे हम लोग. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं. सबसे पहले साइन को देखो, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स. तो लिखेंगे कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन जो यहाँ पर है पूरा. इसके बाद इसको मत देखना, इसे करेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई माइनस एक्स. टेन इनवर्स इसका क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर यही होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स. इसको मत देखना बिल्कुल भी अब. तो आगे कॉस tan इनवर्स e माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई माइनस टू एक्स, ई रेस्ट पर एक्स का, ई रेस्ट पर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स. लास्ट स्टेप रह गया इसका, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा e माइनस एक्स. इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुरू में, कॉज ऑफ tan इनवर्स e माइनस एक्स
अपॉन वन प्लस ई माइनस टू एक्स ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन, वो माइनस वन यहां पर आ जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. यहां पर देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ e रेज टू पावर x है. तो रफ में लिख लो पहले, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है. लॉग x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x. कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x. और e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x. अब इसे आराम से कर सकते हैं हम लोग. कैसे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग का क्या होता है, वन अपॉन एक्स. तो वन अपॉन कॉज ऑफ ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से. इसके बाद देखो कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, माइनस टैन ई एक्स. समझाया, साइन अपॉन कॉज इज टेन. और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है. तो यहाँ नहीं लिखेंगे कभी भी, इसको यहाँ लिखेंगे. ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो बन जाएगा ये टेन ऑफ दिस होल. तो उससे बचने के लिए, कन्फ्यूजन से, क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे रहने दो, बट ई एक्स को यहाँ पर लिख के लो. सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखना. y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स रेस्ट टू पावर फाइव. यहाँ पर से डॉट डॉट डाला हुआ है, क्यों भाई, इतना लिख सकता था ये, बस हो गया. ये करना आपको, ठीक है, करते हैं स्टार्ट. dy बाय डी एक्स, सबसे पहले बताओ ई एक्स का, तो ई एक्स रहेगा, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पर देखो ई एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर ई एक्स क्यूब का ई एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे ही ई रेस्ट पावर एक्स फोर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर फोर, प्लस लास्ट स्टेप ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर फाइव. यहाँ पर देखो ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स एन का होता है ना, एन एक्स एन माइनस वन, तो इसका होगा टू एक्स. तो ये हो गया टू एक्स ई एक्स स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया डेरिवेटिव को. ऐसे इसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर होगा. एक्स रेस्ट पावर फोर का क्या होगा, फोर एक्स क्यूब ई एक्स फोर, ऐसे इसका क्या होगा, फाइव एक्स फोर ई एक्स फाइव. ये आंसर हो गया इसका. सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर तीन फंक्शन दिख रहे होंगे आपको. कैसे तीन फंक्शन, देखो सबसे रूट है, तो रूट एक्स का आपको पता होना चाहिए. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स. इसके बाद ई एक्स, ई एक्स का क्या होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स. और फिर से रूट एक्स आपको पता ही है इसका यही होता है, ठीक है. तो बहुत केयरफुली करेंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर. देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले क्या है, रूट आया, रूट का ही होता है, तो वन बाय ट्वाइस रूट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओके. अगला स्टेप, इसको बिल्कुल टच मत करो क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो चुका है ये. यहाँ पर देखो ई रेस्ट पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ई रेस्ट पावर एक्स होता है, बट ये एक्स नहीं है, इसके लिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है. आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग, कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है. तो इसको एकदम अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखना है. देखो ऐसे ई रेस्ट पावर रूट एक्स अपॉन टू टू ज़ा फोर, अब ऐसे कर सकते हो उसको, रूट देखो ऐसा होता है ना, रूट एम इंटू रूट एन क्या होता है, रूट एम एन होता है. तो वैसे मैंने कर दिया, आप चाहो तो ऐसे खुला भी देख सकते हो उसको, ठीक है. तो ये आंसर हो गया इसका.
एट क्वेश्चन ध्यान से देखना, वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। तो सबसे पहले आप करो, इसको लॉग एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू d/dx ऑफ दिस फंक्शन लॉग एक्स। अब क्या आएगा इसका आंसर, 1/log x और लॉग एक्स का 1/x। नाइन्थ क्वेश्चन, cos x अपॉन लॉग एक्स, आपको दिख रहा है यहां पर लगेगा quotient रूल, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। dy/dx इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर क्या आएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। लॉग एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, तो एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा, माइनस एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स, करते हैं स्टार्ट। dy/dx, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, इसको एंगल ही एज्यूम करो फिलहाल, और उसके बाद क्या करना है, dy/dx ऑफ दिस फंक्शन जो ब्रैकेट में है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स होल अपॉन, देखो यहाँ से लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अपॉन में डालो बाद में करना है इसका, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है प्लस ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स होता है। तो चाहो तो एलसीएम करके करो यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, माइनस 1/x प्लस ई एक्स, मतलब बिना एलसीएम के कर रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम लेने की, ऐसे छोड़ दो। तो आई होप आपको 1 to 10 क्वेश्चन सारे अच्छे से आए होंगे। इन केस कोई आपको प्रॉब्लम हो तो अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डालें, अपना डाउट पूछें। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।